गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर टू इंडिया। तो भाई निकल लिए भाई अब अपना हरियाणा की तरफ में, और हम थे भाई अभी हाल फिलहाल हरि एयरपोर्ट, तो वहाँ से निकल रहे हैं अभी भाई। मोस्ट डेंजरस फोर्ट में से पहले नंबर पे है, और मेरी जितनी भी ट्रैकिंग हुई है ना, सबसे ख़तरनाक ट्रैकिंग इसी फोर्ट की थी। तो भाई देखिए, आपने वीडियो अगर नहीं देखी तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो अभी निकल रहे हैं भाई महाकाल उज्जैन के लिए, और महाकाल की नगरी में जाएंगे, महाकाल के दर्शन करके आएंगे भाई। तो निकलते हैं यहाँ से, बाकी ये रास्ता दिखाता हूँ आप लोगों को। मस्त रोड है भाई, टेम्परेचर है भाई 31 डिग्री, और रात का टेम्परेचर जो यहाँ का रहता है वो है 14-15 डिग्री के आसपास। तो रात को हद से ज़्यादा ठंड है और दिन में हद से ज़्यादा गर्मी, और टाइम भी हो चुका है भाई दोनों का। तो अब निकल गए भाई, हम यहाँ से भाग लेते हैं जल्दी से जल्दी। मतलब ये उज्जैन है अपना, यहाँ से करीबन 400 किलोमीटर के आसपास, हाँ 400 किलोमीटर के आसपास है उज्जैन। तो महाकाल की नगरी में जाऊंगे, महाकाल के दर्शन कर पाऊँगे भाई। और हम अभी वापस उसी रूट से नासिक से होते हुए निकलना पड़ेगा, 46 किलोमीटर आगे थे हम, मतलब 46 किलोमीटर अंदर गए हरि एयरपोर्ट के लिए, और अब वापस 46 किलोमीटर रिटर्न लेके आ रहे हैं। तो कोई नहीं भाई, ये एक्सपीरियंस भी ज़रूरी था हरि एयरपोर्ट का। और बाकी महाराष्ट्र जय मराठा, ये देखो इनकी वेशभूषा भाई मस्त है यार, सिर पर वाइट टोपी और सामने माउंट दिख रहे होंगे, हाय क्या नज़ारे हैं यार, मस्त 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 मस्त, बढ़िया मौसम रहा भाई। बिल्कुल एसी की ज़रूरत है, हमें एसी चला रखी है, गर्मी है ना। लो भाई नासिक पहुँच गए, ये आगे ऊँची ऊँची बिल्डिंग नासिक की, और अरे ये क्या दिखा दिया, कोई बात नहीं, मोए मोए था। तो भाई अपने को ना हाईवे पकड़ लिया, ये है अपना पुलिस अधिकारक, ये दिखाते भी तो नहीं है, नासिक फ्लाईओवर है, चलो पता लगेगा तो दिखाते हैं भाई। नासिक का फ्लाईओवर है, और मकान आ चुके हैं यहाँ पर, गर्मी यार, एक तो गर्मी और भीड़ बहुत ज़्यादा है यार महाराष्ट्र में, और ये यहाँ तो इतनी खास नहीं है जो मुंबई और पुणे में जो भीड़ है ना भाई। तो बहुत शुक्र है अपने को ना रात में कवर कर लिया पुणे, सुबह उठे नासिक, सुबह उठे थे नासिक से होंगे 20-25 किलोमीटर पहले सो गए थे भाई, नींद आने लगती थी तो सुबह ही सोए थे। पटना एक रात में हमने 800 किलोमीटर के आसपास कवर कर दिया था भाई। गोवा के दूधसागर वाटरफॉल से चले थे दोपहर में अपना 1 बजे के आसपास, तो फिर कोल्हापुर पुणे और नासिक, ये मान लो करीबन 700-800 किलोमीटर के आसपास की जर्नी कवर करी भाई रात रात में, और अब नासिक से भी निकल चुके हैं। ये नज़ारे देखो भाई, कितना बड़ा पहाड़ है, और चारों तरफ है, ये चारों तरफ नहीं इस साइड भी है और सामने भी है, लेकिन इस साइड नहीं है, इस साइड बिल्कुल प्लेन है। तो ये नासिक क्रॉस किया अभी हमने, चले होंगे भाई 25-30 किलोमीटर के आसपास नासिक से, और आज ना कमरा लेंगे भाई, और भूख भी लग रही है यार, अभी तक खाना नहीं खाया कुछ भी, तो और 4 घंटे की ड्राइविंग रहेगी, उसके बाद खाना खाएंगे, अब तो रात का ही खाना लेंगे। बाकी यार ये जो हाईवे है ना, अपने मस्त लगते हैं भाई।
तो भाई टोल पे ना अपने को रोक लिया गया था क्योंकि फास्टैग में रिचार्ज नहीं था, तो अभी नया फास्टैग बनवा रहे हैं भाई के पास से। और ये भाई मेरी वीडियो पहले देखता था तो भाई अलग खुशी होती है। भाई अपना नाम बताओ। केतन देसली। भाई बताओ यार कहाँ कहाँ से हो? सुनील गवली। शिरडी से हो? नाम तो बता दो यार। किरण। ओके, तो आप कहाँ से भाई? हम इधर से, दुलिया से। अच्छा, दुलिया से हो? हाँ, हम उसी तरफ जा रहे हैं अभी। चलो भाई, बंदों से मिलके ना बहुत बढ़िया लगा भाई। चलो थैंक यू ब्रो। ओके। अभी सुबह का नाश्ता अपनी सबसे सिंपल दाल रोटी, और जो रात का स्टे था ना भाई, अपना ये रूम था और मेन हाईवे पे ये जो इंदौर और नासिक वाला पुणे वाला जो रास्ता है ना, मेन हाईवे पे ही था ये होटल। वहाँ पे अपना स्टे किया रात का, क्योंकि एक दिन पूरा हो गया था। दिन और रात गाड़ी चलते, दिन रात और दिन इस तरीके से गाड़ी चली थी भाई। 2000 किलोमीटर वैसे कवर नहीं होता ना, तो करके। और आज जाएंगे भाई अपना महाकाल, उज्जैन महाकाल जी के दर्शन करके आऊँगे भाई, उसके बाद फिर सीधा घर की ओर निकल जाएंगे। तो अभी नाश्ता करके बस निकल ही रहे हैं। अभी खाना हो गया फिर, और खाना बड़ा ज़बरदस्त था भाई, दाल फ्राई और अपनी बटर रोटी तंदूर की मस्त। तो खाना ज़्यादा होने के कारण भाई थोड़ी सी चाय ले लेते हैं ताकि डाइजेस्ट होने में आसानी रहेगा। और अभी नॉन स्टॉप जाएंगे भाई, पहले उज्जैन उसके बाद फिर बाद बढ़े। तो अभी नॉन स्टॉप उज्जैन जाएंगे। यहाँ की ना चाय बड़ी ज़बरदस्त है भाई, चाय मशहूर है यहाँ की, यहाँ की महाराष्ट्र की चाय बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, चाय बनाने लग रहा। अच्छा, चाय बनाते हो आप लोग है ना? बिल्कुल सही बात है। यहाँ के ना चाय के कप देखो भाई, इतना सारा छोटा सा कप, बिल्कुल चाय का कप। तो चाय भाई बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई है। अभी चाय पी ली, अब यहाँ से भाग लेते हैं भाई, लेट हो गए यार, 1 बज गया। कोई नहीं, शाम के दर्शन होंगे, पहुँच जाते हैं ज़्यादा 3 घंटे आसपास होगा, 150 किलोमीटर के आसपास है ना। तो निकल लेते हैं भाई यहाँ से चाय पी के। चाय तो पी ली खैर। ये देखो भाई, आ गए उज्जैन महाकाल की नगरी में। तो यहाँ से अपने को कर ली भाई एंट्री, और चल भाई तू आ जा पहले। तो अभी दर्शन करने जा रहे हैं भाई महाकाल के। ये मतलब भाई जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, उनमें से एक है, जैसे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है और उज्जैन है, महाराष्ट्र में भी है, काफ़ी जगह है, नेपाल में पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग है। तो इस तरीके से 12 हैं टोटल, तो उनमें से एक है अपना महाकालेश्वर। तो चलते हैं भाई, करवाते हैं दर्शन आप लोगों के भी।